बेस्ट व्लॉगिंग स्मार्टफोन अंडर 20,000 to 70,000। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 से लेकर 70,000 है, इस प्राइस रेंज में आप एक व्लॉगिंग स्मार्टफोन देख रहे हो जिसपे आपने बहुत तगड़ी जो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोज करनी है, उसके बाद भाई अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो भाई ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन रॉबिन, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, करें इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाउड वगैरह कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं, अगर आपका बजट 20,000 है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 20,000 है, तो भाई इस प्राइस रेंज में मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो वीवो V20 की। और पहले इसके प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस आपको 23,000 के बजट में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा 3,000 पे कर सकते हो तो भाई आप इसी की ओर जाना, बिकॉज आपको बहुत तगड़ा स्मार्टफोन मिल जाता है। प्लस इसका कलर एंड इसका डिज़ाइन भी आपको अपर मिल जाता है। उसके साथ अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, इसका कैमरा भी बहुत अपर है। आपको फ्रंट कैमरे में भी 4K ऑप्शन मिल जाता है, आपको बैक कैमरे में भी 4K ऑप्शन मिल जाता है। प्लस आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। पहले मैं बोलने लगा था कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, अगर आपके हाथ वगैरह ज़्यादा शेक करते हैं ना, उसको बहुत माइनर कर देता। प्लस अगर आपने वॉकिंग करते, रनिंग करते वीडियो शूट करनी है ना, तो वो बहुत सही शूट कर देगा। प्लस भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कैमरा एप्लीकेशन में कई ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अपर तक लेकर जा सकते हैं। तो भाई मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपका बजट 20,000 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकता है, तो वीवो V20 आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, आप चाहो तो कर लेना। ठीक है, अभी बात करते हैं वीवो V20 के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.44 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 720G मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूँ, आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 44MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, पहले इसका प्राइस आपको 25,000 देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसका प्राइस आपको 23,000 के बजट में वीवो V20 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको वीवो V20 के बता दिया, अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। प्लस अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 30,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं भाई, अगर आपका बजट 30,000 है, तो इस प्राइस रेंज में भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो वीवो V20 प्रो की। और अभी दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अगर बात करूँ मैं वीवो V20 की, इसमें आपको स्टोरेज एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट वीवो V20 प्रो में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, बट आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने 30,000 में आपने 5G स्मार्टफोन लेना है, उसके साथ साथ अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो वीवो V20 प्रो भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। इनका डिज़ाइन लुक वगैरह सेम देखने को मिलेगी, और स्पेसिफिकेशन की बात करूँ वो भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी दोनों में तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने वीवो V20 की ओर जाना है आप जा सकते हो, लेकिन आपको वो 5G नहीं मिलेगा। एंड भाई अगर आपने वीवो V20 प्रो की ओर जाना है आप जा सकते हो, एंड वो आप उसमें आपको जो स्टोरेज है ना वो एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये दोनों का कंपैरिजन हो गया, तो आप देख लेना, अगर आपने वीवो V20 की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने वीवो V20 प्रो की ओर जाना है आप जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैं आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की ओर। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको 8K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैक कैमरे में, एंड फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा है। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी फ़ोन पे करनी है, प्लस भाई अगर आपने वीडियो एडिटिंग भी अपने फ़ोन पे करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस सैमसंग का प्राइवेसी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है भाई, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, वीडियोस, प्लस भाई अगर आपने कोई भी मतलब ऐसी चीज रखनी है प्राइवेसी में, आप नॉर्मली इजीली रख सकते हो, आपको बहुत फोन तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करता हूं एक बार इसको आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मैं आपको डीपली बता देता हूं, इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बात करूं, 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इंडोर
इंडोर यूज़ करना है, आउटडोर यूज़ करना है, तो आपको एक्सपीरियंस पता चल ही जाएगा। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने 4K में वीडियो एडिटिंग करनी है, मैं आपको कह दूँ कि ये फोन स्मार्टफोन जो है ना वो सपोर्ट करता है 4K वीडियो एडिटिंग भी आप कर पाओगे। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूँ, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के भी बता दिया। ये स्मार्टफोन भी आपको पूरा लोडेड मिल जाता है 40,000 के बजट में। आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन मिल जाता है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, प्लस भाई इनका जो प्राइवेसी सिस्टम है वो सच में बहुत तगड़ा है। तो दैट्स वाई मैंने इसको 40,000 के बजट में रखा। अगर आपका बजट 40,000 है तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है अगर आपको कैमरे के रिलेटेड एक स्मार्टफोन चाहिए। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 50,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 50,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, आप जा सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की। और प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके भी कलर या डिज़ाइन वगैरह बहुत प्यारे हैं। अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, आपको बैक कैमरे में इसमें भी 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन इसमें भी देखने को मिल जाता है। प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में बहुत ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत अपर कर देंगे। प्लस आपको अमेजोन टैग मिल जाता है, 4.5 रेटिंग मिल जाती है, पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेंगे जो कि कस्टमर की और से आपको देखने को मिलते हैं, जो कि स्मार्टफोन की सच में खासियत देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपका बजट 50,000 है, 50,000 के बजट में आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत स्मार्टफोन मिल जाते हैं जो कि कैमरे के अकॉर्डिंग सही होते हैं, ठीक है। MI 10 देखने को मिल जाता है, MI 11 देखने को मिल जाता है, बट उसके फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस में ना आपको फ्रंट कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपने फ्रंट कैमरे में देख के व्लॉगिंग वगैरह करनी है, अपने फेस को देख कर अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो तब भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज। बैटरी की बातों को 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको क्वाड कैमरा शैडो मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP, बहुत तगड़ा 8K वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। सेल्फी की बातों को 10MP सेल्फी मिल जाती है जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ, आपको 48,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस देखने को मिल जाएगा। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूं कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अभी लॉन्च हो गया, ठीक है, इसका प्राइस और भी कम देखने को मिल जाएगा, इसका प्राइस कम होने ही वाला है। तो ये फोन जो है ना आपको 44,000 के बजट में या 45,000 के बजट में नॉर्मली इजिली मिल जाएगा, जो कि आपके लिए ही बेनिफिट है। आपका 5,000 जो पैसा ना वो वही बच रहा है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के भी बता दिया। भाई अगर मेरा बजट भी 40,000 या 50,000 होता ना, तो मैं सैमसंग के इन फोन्स की और ही जाता, बिकॉज सच में बहुत तगड़े मिल जाते हैं। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 60,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 60,000 हो जाता है, तो भाई इस प्राइस रेंज में मैं तो आपको कहना चाहता हूँ आप जा सकते हो आईफोन 11 की। और सीधी बात करता हूँ सबसे पहले माइनस पॉइंट की, माइनस पॉइंट थोड़ी सी इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपने आउटडोर शूट करना है, तो बैटरी जो है ना वो जल्दी थोड़ी सी खत्म हो जाती है, और कोई भी माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं कैमरे की, आपको फ्रंट कैमरे में भी 4K ऑप्शन मिल जाता है, आपको बैक कैमरे में भी 4K ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इसका पोर्ट्रेट वगैरह बहुत ज़्यादा सही है। तो भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, तो आईफोन 11 आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। प्लस आपको ये 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। मैं यार इसके कलर वगैरह या डिज़ाइन वगैरह भी आपको प्यारे मतलब पसंद आने वाले हैं, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर ही लेते हैं। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को 832 चिपसेट देखने को मिल जाती है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। बैटरी की बात करूँ, आपको 3110mAh की बैटरी मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूँ, आपको 12MP प्लस 12MP आपको डुअल कैमरा मिल जाता है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 12MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बातों को 50,000 से लेके 60,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आप 50,000 के बजट में लोगे ना, तो आपको 64GB स्टोरेज मिलेगा। अगर आपने 60,000 के बजट में लेना है, तो आपको 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगा।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको आईफोन 11 के भी बता दिए, ये स्मार्टफोन भी पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। वैसे तो यार एप्पल के आईफोन हो गया या आईफोन 12 हो गया सभी को पता ही होता है कि इनके कैमरे वगैरह कैसे होते कैसे नहीं होते। अगर आपने इसकी ओर जाना आप जा सकते हो, इनका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ। अगर आपने चाउड कर रहे हैं आप चाउड भी कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 70,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं, तो भाई अगर आपका बजट 70,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, आप जा सकते हो असूस ज़ेनफोन 7 प्रो की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, सबसे ज़्यादा कैमरा ना इसका तगड़ा देखने को मिल जाता है, बिकॉज आपको फ्रंट कैमरे में भी 8K वीडियो ऑप्शन मिल जाता है, बैक कैमरे में भी आपको 8K ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। तो यार अगर आप 70,000 पे करोगे ना तो आपके पैसे ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने वाले। अगर आपने कंपैरिजन भी देखना है ना इसका आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ या आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ, आपको पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी कितनी तगड़ी है। वो फ़ोन आते हैं आपको 1,00,000 के बजट में देखने को मिलते हैं, उसका कंपैरिजन आपको असूस ज़ेनफोन 7 प्रो के साथ देखने को मिलेगा। एंड आप कैमरा क्वालिटी खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी तगड़ी मिलने वाली है। अगर आपका बजट 70,000 है ना तो भाई आप दिल खोल के सीधा पे कर सकते हो, असूस ज़ेनफोन 7 प्रो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना, व्लॉगिंग करनी है, ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है भाई, अगर आपने यूट्यूब वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, जो भी काम करना चाहते हो आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.67 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करूं आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाते हैं प्लस 256GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर प्लस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी भी आपको सेम देखने को मिलेगी बिकॉज आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं आपको 70,000 के बजट में अप्रॉक्सिम मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस ज़ेनफोन 7 प्रो के भी। तो यार 70,000 के बजट में ना ये बहुत ज़्यादा लोडेड है। इसका कंपैरिजन आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ एंड आईफोन 11 12 प्रो मैक्स के साथ देखने को मिलेगा, जो कि सच में एक चीज़ खासियत है भाई। ये फ़ोन का कैमरा सच में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फ्रंट कैमरे में 8K शूट, बैक कैमरे में आपको 8K शूट मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा सही है भाई। अगर आपका बजट 70,000 में, बजट के रेंज में ना, आपको कैमरा भी देख रहे हो उसमें भी आपको 8K ऑप्शन नहीं मिलता, आपको असूस ज़ेनफोन 7 प्रो में मिल जाता है। फ्रंट कैमरे में एंड बैक कैमरे में सच में मैटर करता है। तो यार अभी मैंने आपको इतने फ़ोन बता दिए जो कि कैमरे के अकॉर्डिंग देखा जाए वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपने 20,000 के बजट में जो है वो वीवो V20 भी ले लिया ना, उसका भी कैमरा क्वालिटी बहुत सही है। अगर आपने 70,000 के बजट में असूस का फ़ोन ले लिया ना तो वो तो यार आपको तगड़ा मिल ही जाता है। तो यार अगर आपने व्लॉगिंग करनी है दिल खोल के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली भाई, लॉन्ग टाइम वीडियो इसको रख सकती हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू करना। भी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।